मोहतरम नाज़रीन, अपडेट फॉर विज़न में आपका इस्तकबाल है। आज इस्तंजे का बयान लेकर हम हाज़िर हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पेशाब या पाखाना करने के लिए जाए तो बैतुल खला में लेटरिन हाउस में दाखिल होने से पहले या अगर मैदान में जा रहे हैं तो सतर खोलने से पहले ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी أعوذ بك من الخبث والخبائث। फिर अगर बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं तो पहले बायां पांव अंदर करें और निकलने के वक्त अपना दाहिना पांव बाहर निकालें और बाहर निकलने के बाद ये दुआ पढ़ लें, غفرانك الحمد لله الذي अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। पेशाब पाखाना करते वक्त न क़िबला की जानिब मुँह करें न पीठ करें, और अगर भूल कर बैठ ही गए तो याद आते ही फौरन रुख बदल दें, इससे मग़फ़िरत की उम्मीद है। और पेशाब पाखाना करते वक्त सूरज की तरफ रुख करना, चाँद की तरफ रुख करना या जिधर से हवा आती है हवा की तरफ रुख करना ये ममनू है। जो आदमी बच्चे को पेशाब कराते हैं या पाखाना कराते हैं, चाहे बच्चे के बाप हूँ या माँ हूँ या और कोई दूसरा आदमी, तो बच्चे को पेशाब पाखाना कराते वक्त बच्चे का मुंह न क़िबला को होना चाहिए न पीठ होनी चाहिए। अगर ऐसा बैठाते हैं तो पेशाब पाखाना कराने वाला गुनाहगार होगा। कुआं या हौज़ या चश्मा के किनारे अगर पेशाब पाखाना कर रहे हैं या पानी में पेशाब कर रहे हैं अगरचे बहता हुआ पानी हो, या घाट पर या फलदार दरख्त के नीचे या ऐसे खेत में जिस खेत में फसल मौजूद है या सायादार जगह में जहां लोग बैठते उठते हों, ऐसी जगह में पेशाब करना या पखाना करना ममनू है। उसी तरह मस्जिद या ईदगाह के पहलू में या कब्रिस्तान में या रास्ता में जिस जगह मवेशी बंधे हों उस जगह, इन तमाम जगहों में पेशाब पाखाना करना मकरूह है। यूं ही जिस जगह वज़ू या गसल किया जाता है उस जगह भी पेशाब पाखाना करना मकरूह है। खुद नीची जगह बैठे हैं पेशाब पाखाना करने के लिए और पेशाब की धार ऊंची जगह में फेंक रहे हैं, यह भी ममनू है। सख्त ज़मीन पर, जो ज़मीन ऐसी सख्त हो कि उस पर पेशाब कर रहे हैं तो वहाँ के छींटे उड़कर कपड़े में या बदन में पड़े, तो ऐसी ज़मीन पर भी पेशाब करना ममनू है। बग़ैर उज़्र के खड़े होकर पेशाब करना मना है। यूं ही लेट कर या नंगे होकर पेशाब या पखाना करना मकरूह है। यूं ही पेशाब पाखाना करने के लिए जाना खाली सर, सर पर कुछ नहीं हो, ये भी ममनू है, मकरूह है। पेशाब पाखाना के लिए साथ में ऐसी चीज़ ले जाना जिस पर अल्लाह या रसूलुल्लाह या किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हुआ हो तो ममनू है, जबकि वो चीज़ खुली हो। और अगर बंद हो या लिफाफे में बंद हो
या तावीज़ के अंदर हो तो कोई हर्ज नहीं। पेशाब पखाना करते वक्त बात करना भी मकरूह है। सलाम का जवाब देना, अजान का जवाब देना इस ज़बान से मकरूह है। दिल ही में जवाब दे सकते हैं। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, बिला वजह शर्मगाह की तरफ बार बार ना देखे, ना उस नजासत की तरफ देखे जिस नजासत को अपने जिस्म से बाहर निकाल रहा है, और ज़्यादा देर तक लेटरिन हाउस में न बैठे कि इससे बवासीर की बीमारी होने का अंदेशा है। पेशाब में थूकना, नाक साफ करके फेंकना, खखारना, इधर उधर देखना, आसमान की तरफ देखना, ये सब मकरूह है, बल्कि शर्म से सर झुकाए बैठा रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए।